आगरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यमुना नदी में 6 युवक डूबे, 2 युवकों को बचाया, 4 युवकों की तलाश जारी। स्टीमर और गोताखोरों की मदद से युवकों को ढूंढने का प्रयास जारी। सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी युवक। थाना छत्ता के हाथीघाट यमुना नदी का मामला, हमारे पास कोई भी नहीं रह गया, अब हम किसके रागी बनेंगे? आगरा में थाना छत्ता क्षेत्र के हाथीघाट पर यमुना नदी में नहाने उतरे 4 युवकों को डूबते देख बचाने के लिए यमुना में कूदने पर सभी युवक डूबने लगे। इस बात की जानकारी होते ही आसपास कपड़े धो रहे लोगों को हुई तो 2 युवकों को तो बचा लिया गया और 4 दोस्त यमुना नदी में डूब गए। हादसे की सूचना पर इलाकाई पुलिस के साथ गोताखोर भी मौके पर पहुंच गए और स्टीमर की मदद से 4 दोस्तों की तलाश की जा रही है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब थाना सदर क्षेत्र के रहने वाले 6 युवक पूजा करने के लिए हाथीघाट पर आए थे। पूजा करने के दौरान विष्णु, ऋतिक, तुषार और सचिन यमुना में नहाने के लिए उतर गए। नहाते समय वो गहरे पानी में चले गए। खुद को डूबते देख चारों युवकों ने शोर मचाया तो दोस्तों की आवाज सुनकर पूजा कर रहे विशाल और पवन बचाने के लिए नदी में कूद गए, लेकिन खुद भी गहरे पानी में जाने के चलते डूबने लगे। पास में ही कपड़े धो रहे लोग बचाने को दौड़े और 2 युवकों को तो सक्सेसफुल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 दोस्त डूब गए। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नहीं, छोटा था, मुझसे बड़ा था, बाकी सबसे छोटा था। मेरे पापा खत्म हो गए, मम्मी भी हो गई। तो जी देखभाल करता था? नहीं, ये छोटा था ना, ये काम करता था, बाहर रहता था। अच्छा, देखभाल हम लोगों की देखभाल करता था। मेरी बहनों की शादी हो गई, मेरी भी हो गई। अब मेरी बहनें उसको बहुत समझाती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। अब कौन रखेगा? कुछ सालों से वो काम नहीं करने जा रहा था तो वो घर ही रह रहा था। आज अचानक तो पता नहीं क्या हो गया उसको, हमारे पास कोई भी नहीं रह गया, अब हम किसके रागी बनेंगे? सूचना पे थाना इत्मादौला छत्ता और अकाबगंज की पुलिस पहुंची, साथ ही में फ्लड कंपनी की पीसी भी आ गई है और हमारी जल पुलिस भी पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इनको तलाश की जा रही है। ये लड़के सभी सदर क्षेत्र के नौलखा के रहने वाले हैं और यहाँ पे किसी की मौत में आए हुए थे। यहाँ बैठ करके 6 लड़के थे, अपना नहा रहे थे, नहाते थे 4 लड़कों की डूब गई है।